पूर्वी दिल्ली के ईस्ट गुरु अंगद नगर गुरुद्वारा में रोटरी क्लब दिल्ली विकास की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों को दवा और चश्मा मुफ्त उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर क्लब के संयोजक और पूर्व निगम पार्षद गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि क्लब की तरफ से समय समय पर कैंप लगाया जाता है। कैंप में सभी तरह के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा आंख और कान के लिए खास करके व्यवस्था की जाती है। जरूरतमंदों के आंख की जांच के साथ साथ ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें मुफ्त में चश्मा भी दिया जाता है। साथ ही कम सुनाई देने वाले लोगों को मशीन भी मुफ्त में वितरित की जाती है। इस कैंप के माध्यम से ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है जो लोग स्वास्थ्य सेवा से दूर हैं। ये कैंप जो है हम रोटरी के माध्यम से हर वर्ष लगाते हैं और ये भिन्न भिन्न जगह पर लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर भी पहले कैंप लगाए हैं रोटरी क्लब के माध्यम से, लॉयस क्लब के माध्यम से, क्योंकि इस दुर्गंगत नगर के अंदर निजी लोग हैं जिनको जरूरत है चीज की, कि इनके आई चेकअप कैंप जो है आई को जो लोग हैं वो दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि आदमी अपना अवेयर नहीं होता और उसमें समय भी नहीं होता उसके पास में, और पैसा भी नहीं होता कि डॉक्टर पर जाए तो 500 रुपये फीस दे, 1000 रुपये फीस दे, 200 रुपये फीस दे, तब तक पैसा जो है हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर हम कैंप लगाते हैं कि जो निडी लोग हैं वो अपना आके यहाँ पर इलाज करा सकें, आँखें दिखा सकें और सही तरह से हम उनका इलाज करा सकें, और हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से आँखों का जो ऑपरेशन है वो भी हम यहाँ पर फ्री कराएंगे उनके लिए। आने जाने की सुविधा भी उनके लिए फ्री रखी हुई है हमने। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसके लिए हमने उसको फ्री रखा हुआ है, जो उसको फ्री फ्री मुफ्त में दे दिया जाएगा। ये रोटरी क्लब का माध्यम जो है सेवा करने का माध्यम है, और सही तरह से हम जो सेवा करते हैं उन लोगों में करते हैं जिन लोगों को निडी है वहाँ लगा कैंप लगाते हैं, जो लोग जिनको चाहत होती है, जिनकी जरूरत होती है। और बड़े लोगों में तो लगाने से फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो लोग खुद दिखा लेते हैं, अपने आप को जांच कराते रहते हैं साल 6 महीने के अंदर। अच्छा जी, एक बात बताओ कि पिछले वर्ष आपने कितने लोगों का ऑपरेशन करवाया आपको? पिछले बार हमने 60 लोगों का ऑपरेशन कराया और यहाँ से उनको लेकर गए, कैटरा का ऑपरेशन हुआ और उन लोगों को धर्म से लाभ हुआ। हमने ये गरीब के उत्थान के लिए करा। अभी दो ही चीज़ है, चिकित्सा और शिक्षा, हमारा दोनों पे ध्यान है। स्कूल के अंदर हम हैंड वॉश स्टेशन लगा रहे हैं, बाथरूम बनवा रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं, और इसी में शिक्षा के उसमें चिकित्सा में हम आँखों का कैंप लगा रहे हैं। अभी अगले हफ्ते भी हम पैथ लैब का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोगों के लिए 70% तक का डिस्काउंट हम पैथ लैब में देंगे, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो, चाहे स्टूल टेस्ट हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो। इनमें हम आँखों का टेस्ट कर रहे हैं और ऑपरेशन फ्री करेंगे, चश्मे फ्री दे रहे हैं और कानों के लिए मशीन भी फ्री दे रहे हैं, जिससे लोग सुनाई दे सके और अच्छे उनकी तकलीफें दूर करें। रोटरी क्लब दिल्ली विकास के इस पहल का स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा किया। लोगों ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से उन्हें बहुत फायदा पहुंचा। उन्हें अस्पताल जाने के बजाय घर के नजदीक ही सारी सुविधा मिल गई। आंखें चेक कराई हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराया है, शुगर चेक कराई है, और मतलब हर चीज सही तरीके से चेक कर रहे हैं। चश्मे फ्री दे रहे हैं, जिन्होंने चश्मे कमी है हिंदी में, जिनके चश्मे लगने हैं उनको चश्मे फ्री दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और बीपी चेक कर रहे हैं। अच्छा, बहुत फायदा होता है इसमें। चश्मे जो फ्री मिलते हैं, ऐसा चश्मा बाजार से लेने जाओ कम से कम 200 का बनता है, लेकिन यहाँ गरीब लोगों को फ्री मिलते हैं, उससे उनको बहुत फायदा होता है। रोटरी क्लब दिल्ली विकास का ये पहल काबिले तारीफ है। जरूरत है और भी संगठन को आगे आने की, ताकि समाज के उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके जो उनसे दूर हैं। दिल्ली से न्यूज़ सेवा की रिपोर्ट।